नमस्कार, देश रोजाना पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम भूमिका है और आज के बुलेटिन में जानते हैं, देखते हैं क्या है खास। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। दिल्ली सराय काले खां, गैंगरेप, कबाड़ी, भिखारी और ऑटो वाले आरोपियों की हैवानियत से दहशत। ट्रूकॉलर ऑफिस पर आयकर विभाग की रेड, क्या कंपनी के खिलाफ उठे हैं गंभीर आरोप। एक दिन का तानाशाह बने ट्रंप, बदले की राजनीति से गिरी गाज। क्या ट्रंप मोदी की दोस्ती पुतिन के लिए बनेगी संकट, रूस को पछाड़कर बढ़ेगा पश्चिमी दबाव। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने ट्रेस की कॉल, मामला गरम। भागम भाग दो का धमाल, अक्षय कुमार और गोविंदा की मस्ती लौटेगी फिर से। कुत्तों ने बचाई बच्ची की जान, मध्य प्रदेश में किडनैपर भागते हुए खदेड़े, स्ट्रीट डॉग्स का जबरदस्त फैक्ट देखने लायक। मैट्रिमोनी ऐप में फर्जी प्रोफाइल का बड़ा स्कैम, महिला का फोटो बिना अनुमति के इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर मचा बवाल। हरियाणा में महिला पुलिस कर्मियों से यौन शोषण का सनसनीखेज मामला, महिला आयोग में आज होगी सुनवाई। पूर्व विधायकों की पेंशन पर हाईकोर्ट में बड़ा सवाल, सजा के बावजूद क्यों मिल रही है सरकारी पेंशन। रुक करते हैं हरियाणा की खास खबरों की ओर। डीएपी खास संकट, किसानों के लिए काली दिवाली, सुरजेवाला ने भाजपा पर कसा तंज। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर किसानों के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लाखों किसान डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे हैं। किसान सुबह शाम लाइनों में खड़े होकर भी खाद नहीं पा रहे। कई किसानों पर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है तो कहीं खाद को थानों में बांटना पड़ रहा है। डीएपी की कमी के कारण किसान मजबूरी में ब्लॉक में खाद खरीदने को भी विवश हैं। सुरजेवाला ने भाजपा सरकार को दोषी ठहराया, बताया कि केंद्र सरकार ने खाद की सब्सिडी में 87,238 करोड़ रुपए की कटौती की, जिससे डीएपी की सप्लाई में भारी कमी आई। उन्होंने कहा कि सरकार का किसान विरोधी रुख साफ नजर आ रहा है, खासकर हरियाणा पंजाब के किसानों से बदला लेने के रूप में। गोगी का आरोप, दीपक बाबरिया थे भाजपा के एजेंट, कांग्रेस की हार में था बड़ा हाथ। जी हाँ, हरियाणा के करनाल जिले की असंत विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर भाजपा का एजेंट होने का आरोप लगाया। गोगी ने कहा कि कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में मिली हार के लिए बाबरिया जिम्मेदार थे, क्योंकि चुनाव के दौरान कांग्रेस का कोई भी और प्रभावी प्रभारी नहीं था। बाबरिया का रवैया भाजपा के पक्ष में था। गोगी ने कांग्रेस की मौजूदा गुटबाजी और हाल ही में बनाए गए 8 सदस्यीय कमेटी के गठन पर भी सवाल उठाए। इस कमेटी के अध्यक्ष करण सिंह दलाल हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं। गोगी ने कहा कि जो खुद हार चुके हैं वही दूसरों के हार के कारण ढूंढेंगे। गुटबाजी का विवाद पार्टी में गहरी खाई को उजागर करता है, खासकर शैलजा समर्थकों के किनारे होने के कारण। 5 नवंबर को इस कमेटी की मीटिंग हुई और अब 9 नवंबर को हारने वाले 53 नेताओं से आरोपों और सबूतों के बारे में पूछताछ की जाएगी। हरियाणा विधानसभा का पहला सत्र 13 नवंबर से प्रश्नकाल नहीं होगा। जी हां, हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा और यह 18 नवंबर तक चलेगा। हालांकि 15, 16, 17 नवंबर को अवकाश के चलते ये सत्र 3 दिनों तक ही प्रभावी रहेगा। इस सत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का भी भाषण पेश होगा, जिस पर एक ही दिन चर्चा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जवाब दिया जाएगा। ये सत्र अन्य सत्रों से अलग होगा क्योंकि इसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। सत्र में सरकार 3 महत्वपूर्ण बिल पेश करेगी, जिसमें HKRN कर्मचारियों को सेवा की गारंटी, पंचायती राज विभाग में पिछड़ा वर्ग बी आरक्षण और पंचायतों की शामिलात दे पर कब्जा करने वालों को मालिकाना हक देने के बिल शामिल है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस सरकार को किसानों की डीएपी खाद की कमी और अधिकारियों पर यौन शोषण के आरोपों जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। सजा मिलने के बाद पेंशन क्यों आ? ओपी चौटाला समेत 4 पूर्व विधायकों की पेंशन पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। जी हाँ, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सहित 4 पूर्व विधायकों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बावजूद पेंशन दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। याचिका में कहा गया कि जनता के पैसे का दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता हरिचंद अरोड़ा ने दावा किया कि यदि किसी विधायक को कोर्ट सजा सुनाती है तो पेंशन का हकदार नहीं होता।
चंडीगढ़ निवासी अरोड़ा ने सूचना अधिकार के तहत विधानसभा सचिवालय से जानकारी मांगी थी, जिसमें बताया गया था कि ओम प्रकाश चौटाला को 2,15,430 रुपए, अजय चौटाला शेर सिंह बड़शामी को 50,100 रुपए पेंशन मिल रही है। याचिका में अरोड़ा ने कहा कि चौटाला परिवार और सतबीर कादियान को भ्रष्टाचार के मामले में सजा मिल चुकी, इस कारण उन्हें पेंशन मिलना अवैध है। हाईकोर्ट ने मामले में सभी प्रतिवादी से जवाब मांगा और आगामी सुनवाई के लिए तारीख तय की है। तो इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए मुझे इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों और नवीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका मन पसंदीदा चैनल देश रोजाना, बेबाक सच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।